देश भर में लॉकडाउन के चलते जहां दैनिक जीवन के कार्य तो रुके हुए हैं ही, वहीं कुछ लोग संसार की यात्रा पूरी कर इस लोक से जा चुके हैं, उनकी अंतिम रस्में भी रुकी हुई हैं। ऐसा ही एक मामला सिरसा में आज देखने को मिला, जहां 95 वर्षीय डेरा अनुयायी कौड़ी इंसा बीते दिनों अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर कुल मालिक के चरणों में जा विराजी। आपको बता दें कि माता कौड़ी देवी इंसा का पूरा परिवार पिछले कई दशकों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। मृतक कौड़ी देवी इंसा ने डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहनुमाई में अपने मृत्यु के बाद मरणोपरांत शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान करने का लिखित में संकल्प लिया हुआ था, लेकिन इन दोनों कोरोना वैश्विक महामारी में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण मृतक कौड़ी देवी का शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान नहीं हो पाया। ऐसे में मृतक के परिवार ने माता कौड़ी देवी इंसा के अंतिम रस्म के अनुसार संस्कार करके उनकी अस्थियों पर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की शिक्षाओं पर चलते हुए उन मानव अस्थियों पर पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण की अद्भुत ऐतिहासिक इबारत लिख दी। वहीं मृतक कौड़ी देवी इंसा के पुत्र अनिल इंसा ने बताया कि हमारी दादी का बीते दिन देहांत हो गया था, हमारे पूरे परिवार ने मरणोपरांत अपना शरीर दान करने का लिखित में प्रण ले रखा है। उन्होंने बताया कि मेरी दादी कौड़ी देवी इंसा ने भी पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहनुमाई में मरणोपरांत शरीर दान करने का फार्म भरा हुआ था, मगर हम लॉकडाउन के चलते हमारी मृतक दादी का शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए नहीं भेज पाए, लेकिन हमने पूज्य गुरु जी की शिक्षाओं पर चलते हुए दादी की अस्थियों पर अमरूद का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण को एक नई पहल दी है। मेरी दादी कौड़ी देवी इंसा का देहांत कुछ दिन पहले ही हुआ था। मेरी दादी ने पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा जी द्वारा चलाई जा रहे मन तबलाई के कार्य बॉडी डोनेट का फार्म भरा हुआ था, परंतु लॉकडाउन की वजह से हम उनकी बॉडी को डोनेट नहीं कर सके, इसलिए हमारे पूरे परिवार की सहमति से पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा चलाई जा रही अस्थियों पर परोपकार मुहिम के तहत उनकी अस्थियों पर आज पौधा रोपित किया गया, जिससे कि सारा पर्यावरण भी शुद्ध हो सके। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।